आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 5 समीज संख्या और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए ये प्रश्नावली आपको बुक में प्रश्नावली 5.3 के बाद नहीं मिलेगी, ये चूंकि पूरक पाठ्य सामग्री है, ठीक ना, ये बाद में जोड़ी गई है, इसलिए ये आपको बुक के सबसे अंत में जब जहाँ प्रश्नमाला समाप्त होता है उसके बाद आपको इस हेडिंग के नाम से मिलेगा पूरक पाठ्य सामग्री। उसके अंतर्गत जिस चैप्टर में जो प्रश्नावली जोड़ी गई है उसमें क्रम से है, तो जब आप 5 पार्ट पर देखेंगे तो लिखा जाएगा प्रश्नावली 5.4, ठीक ना। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमको केवल समीज संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें केवल यही भर टॉपिक है जिसके अंतर्गत केवल 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए ये एक उदाहरण दिया हुआ था, तो हम इस उदाहरण को ही इसमें इंट्रोडक्शन में ही हम इसको बताते हैं, और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.4 में जो 6 प्रश्न हैं उसको हम इसके प्रश्नावली में बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसके अंतर्गत अगर हमको किसी भी समीज संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको देखिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कर्णी से -7 -24i बराबर, इसको लिखेंगे x+iy, ठीक ना। समीज संख्या के रूप में इसको हमने मान लिया कि ये है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो देखिए इस पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इस पर से कर्णी हट जाएगी और इस पर यक्स, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए लिखते हैं हम x+iy का होल स्क्वायर बराबर -7 -24i, ठीक ना। ये कर्णी था तो वर्ग लगाएंगे तो इस पर से कर्णी हट जाती है, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। अब हम यहाँ पर x+y का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होता है x² + y² + 2x और ये iy, ठीक ना, बराबर -7 -24i। इसमें देखिए ये i का भी स्क्वायर हो जाएगा, x² देखिए i का स्क्वायर होगा तो i का स्क्वायर मतलब माइनस होता है, तो देखिए ये माइनस ये y² लिख लिया, ठीक ना। i का स्क्वायर मतलब माइनस में, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस i 2xy बराबर -7 -24i, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये है वास्तविक भाग और इसका ये वास्तविक भाग इस तरफ, ये अधिकल्पित भाग, तो ये अधिकल्पित भाग लिखेंगे वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर या तुलना करने पर, ठीक ना। तो तुलना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमको x² - y² = -7, तो ये समीकरण एक डाल देंगे और इससे हो जाएगा देखिए 2xy बराबर ये हो जाएगा -24, ठीक ना, ये समीकरण दो डाल दिए। अब देखिए हमको x² - y² = -7 आ गया। अब हम यहाँ से अगले में देखेंगे x² + y² का मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसके बाद लिखेंगे हम x² + y², ठीक ना, का होल स्क्वायर। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² और ये y² होता है, ठीक ना। तो देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये होता है, अगर मैं x + y का होल स्क्वायर करूँ तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है, x² y² + 2xy, ठीक ना, ये फॉर्मूला हमें याद है। अब हम लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2x ये y, ठीक ना। अब क्या करेंगे, दोनों इसमें से इसको माइनस कर देते हैं,
तो देखिए क्या आएगा, इसको हम माइनस कर रहे हैं, दोनों घटा रहे हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, में से इसको घटा देंगे, माइनस यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसमें से इसको घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए घटा रहे हैं सीधा सीधा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज़ दो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक ना। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, इसको करेंगे तो आप दो दो ये चार एक्स वाई आ जाएगा, ठीक। आप इसको इस तरह दाईं तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है। अब चूंकि यहाँ पर यक्स का मान यक्स स्क्वायर है और वाई का मान वाई स्क्वायर है, ठीक ना, तो हम यहीं पर यक्स का यक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर यक्स का यक्स स्क्वायर था, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, यही चीज़ हमने इसमें लिखा था, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। फिर इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ, ये जो मान आया है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस सात का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए ये है, अगर आप इसका दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये 4 और ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है ना। तो मतलब हम इसको माइनस 24 का यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये लिखा है 2xy का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब यदि हम 2xy का मान रख के इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, तो ये जाएगा माइनस 24 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 7 का 49 प्लस ये 24 का कितना हो जाता है, तो ये लिखेंगे 576, ठीक ना। तो 576 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 9 और 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, ये आया 625। तो ये हो गया यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये वर्ग इस पर जाएगा तो ये वर्गमूल बनेगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस करनी 625, तो 625 का क्या आता है 25, ठीक ना, प्लस माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर प्लस भी लिखा है, यहाँ माइनस भी लिखा है। तो देखिए यदि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, है ना, देखिए दोनों का वर्ग किया हुआ है, तो किसी भी संख्या का अगर वर्क करेंगे तो कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। तो हमने इस संख्या का भी वर्क किया है और इस संख्या का भी वर्क किया और उसको जोड़ा है, तो इसका कभी भी आंसर माइनस में तो नहीं आएगा, आया ये प्लस में, तो ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 25 आ गया। इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं, ठीक ना। अब हम देखिए, अब हमको देखिए यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक ना। अब हमको देखिए क्या करना है, इसके बराबर हमने यक्स और वाई को माना है। यदि मेरा यक्स का और वाई का मान ज्ञात हो जाए तो मैं उठा के यहाँ रख दूंगा तो इसका वर्गमूल हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। मतलब अब हमको केवल यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये रहा समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यक्स स्क्वायर बचेगा, जिससे हमको यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तो देखिए जोड़ लेते हैं इसको, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर इसको लिख लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये क्या है माइनस 7 और ये क्या है 25, ठीक ना, माइनस 7 प्लस 25। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आया 2x स्क्वायर बराबर, देखिए 25 में अगर आप 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक ना, 18 7 25 होता है। अब देखिए इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, देखिए 2 नीचे जाएगा तो 2 नवा 18, ठीक ना। अब ये वर्ग इस पर लगाएंगे तो आपको आ जाएगा ये प्लस माइनस करनी 9, तो इसका मतलब x का मान प्लस माइनस ये 3 आया,
ठीक ना। अब देखिए x का मान 2 आया है, एक बार प्लस 3 आया है और एक बार माइनस 3 आया है, तो हम इसको देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको इससे y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अब इसको मिटा लेते हैं, देखिए यहीं से मिटा लेते हैं इसको, अब लिखते हैं हम यदि x बराबर ये 3, ठीक ना, 3 लेते हैं तो हम इसमें रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 में क्या है 2xy बराबर माइनस 24, ठीक ना, x का मान 3 रख लेते हैं हम, 3 माइनस 24, तो ये 3 दूनी 6 बराबर माइनस 24, तो y बराबर माइनस 24 बटे 6, 6 चौक 24, तो y का मान कितना आया माइनस ये 4 आया, ठीक ना। अब देखिए हम लिखेंगे यदि x बराबर माइनस 3, ठीक ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे 2xy बराबर माइनस 24, 2 गुणे माइनस 3 गुणे वाई बराबर माइनस 24, माइनस 6y बराबर माइनस 24, तो ये y बराबर हो जाएगा 24 बटे ये माइनस माइनस कैंसिल 6, तो 6 चौक 24, तो ये y बराबर ये 4 आ गया, ठीक ना। तो यदि जब x बराबर प्लस 3 है तो y का मान माइनस 4, जब माइनस 3 है तो प्लस 4। अब देखिए हमने क्या माना था, जो फॉर्मूला था माइनस 7 माइनस 7 माइनस 24 आई बराबर लिखा था हमने x प्लस आई वाई, ठीक ना, तो हम इसमें मान रख देते हैं। अब देखिए x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो y का मान माइनस 4 मतलब माइनस आई 4 आएगा, और या अब जब यदि x का मान माइनस 3 रखते हैं तो प्लस आई 4 आया, ठीक ना, मतलब ये दो में से कोई भी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो इस प्रकार हम किसी भी सममित संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रश्नावली में यही इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग प्रश्नावली 5.4 करेंगे।